हेलो गर्ल्स, जीपीएम फॉर फैशन एस्पिरेंट्स चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर बिंदु चतुर्वेदी आज बीए बीकॉम बीएससी पार्ट सेकंड जीपीएम के पेपर फर्स्ट पैटर्न मेकिंग एंड ड्रेस डिज़ाइनिंग के यूनिट सेकंड टाइप ऑफ ह्यूमन फिगर एंड पोस्चर्स के बारे में समझेंगे। टाइप ऑफ ह्यूमन फिगर्स एंड पोस्चर्स, जैसा कि आप जानते हैं मानव शरीर के आम प्रकार के बारे में आज मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। यद्यपि मानव शरीर की बढ़ोतरी प्रमाण के अनुसार होती है, फिर भी कुछ व्यक्तियों के शरीर की बनावट नॉर्मल से कुछ अलग होती है। यह भिन्नता एक या दो व्यक्तियों में नहीं बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों में पाई जाती है। जब किसी व्यक्ति की शरीर में नॉर्मल से यह भिन्नता पाई जाती है तो उसे व्यंग अथवा अनैसर्गिक माना जाता है, मगर जब एक बड़ी आबादी में यह फ़र्क नज़र आता है तो इसे प्रकार माना जाता है। आमतौर पर मानव शरीर के 8 प्रकार पाए जाते हैं, वे निम्नलिखित हैं। 8 प्रकार इस प्रकार हैं। पहला नॉर्मल, दूसरा आगे झुका हुआ जिसको हम स्टूपिंग भी कहते हैं, तीसरा पीछे झुका हुआ जिसको हम इरेक्ट कहते हैं, चौथा झुके कंधों वाला जिसको स्लोपिंग शोल्डर्स भी कहते हैं, फिर सीधे कंधों वाला जिसे स्क्वायर शोल्डर्स कहते हैं, लंबा तथा पतला टॉल एंड थिन, मोटा तथा ठिगना शॉर्ट एंड स्टाउट, तथा अंत में पेटू या तोंदू जिसको कॉपुलेंट कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें पोस्चर या टाइप ऑफ फिगर्स कहते हैं। पोशाकें काटते समय शरीर की बनावट को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। नॉर्मल, आमतौर पर पोशाक इसी प्रकार को ध्यान में रखकर काटा जाता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए कोई फर्क नहीं किया जाता। फिर आता है पीछे झुका हुआ। इस प्रकार के व्यक्ति के शरीर का झुकाव पीछे की तरफ होता है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों की पोशाकें काटते समय आगे के हिस्से की लंबाई पीछे की अपेक्षा ज़्यादा रखना जरूरी होता है। शरीर के ऊपरी हिस्से में पहनने की पोशाकों में यह फ़र्क करना जरूरी होता है, जिससे पोशाकों का संतुलित बना रहे। आगे झुका हुआ ऊपर बताए गए व्यक्ति के विपरीत इस प्रकार के व्यक्ति का संतुलन होता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए पोशाक के पीछे की तरफ की लंबाई ज़्यादा रखना आवश्यक होता है। सीधे कंधों वाला, ऐसे प्रकार के व्यक्ति के कंधे करीब करीब सीधे होते हैं। पोशाक काटते समय कंधा उतार कम करना पड़ता है, साथ साथ आर्म होल की गहराई कम करनी पड़ती है। फिर आते हैं हम झुके कंधों वाला। झुके हुए कंधों वाला ऊपर बताए हुए व्यक्ति से विपरीत इस प्रकार के व्यक्ति के कंधों पर में उतार पाया जाता है। पोशाक काटते समय कंधा उतार बढ़ाना आवश्यक होता है और अपनी उतनी मात्रा में आर्म होल की गहराई बढ़ानी पड़ती है। लंबे और पतले व्यक्ति, इस प्रकार के अंतर्गत शरीर की चौड़ाई लंबाई की अपेक्षा कम होती है। जब छाती के नाप के आधार पर पोशाकें काटी जाती हैं तो लंबाई के नाप नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा रखे जाते हैं, जैसे कमर की लंबाई, बाजू की लंबाई आदि। 8 मस्तकीय प्रणाली के नियम ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छे प्रतीत नहीं होते। मोटे और ठिगने व्यक्ति, जैसा कि नाम से दिखाई देता है कि ठिगने एवं मोटे व्यक्ति लंबे तथा पतले व्यक्ति के विपरीत आकृति है, और पोशाक काटते समय ऊपर दिए हुए व्यक्ति से विपरीत प्रमाण ऐसे व्यक्ति के लिए किए जाते हैं। पेटू व्यक्ति, इस प्रकार के व्यक्ति ज़्यादातर शहरों में तथा बैठकर काम करने वाले व्यक्तियों में और करीब करीब 35 वर्ष की आयु के बाद पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए विशेष प्रमाण का प्रयोग करना आवश्यक होता है। जैकेट, कोट तथा पतलून में कमर की जगह पर इस प्रमाण का प्रयोग किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों में कमर तथा नाप साधारण प्रमाण से ज़्यादा होता है। इन व्यक्तियों के भी 2 प्रकार होते हैं, साधारण पेटू व्यक्ति और विशेष पेटू व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को शरीर के नापों के आधार पर से समझा जाता है। यदि छाती का नाप
और कमर का नाप समान हो तो ऐसे साधारण पेटू व्यक्ति कहते हैं, और यदि कमर का नाप छाती के नाप से ज़्यादा हो तो उसे विशेष पेटू व्यक्ति माना जाता है। पेटू व्यक्ति के लिए पोशाक काटते समय कमर के नापों में विशेष तरीका अपनाया पड़ता है, इसलिए कितनी मात्रा में कमर का नाप ज़्यादा है यह निकालना आवश्यक है। इसका प्रमाण उदाहरण देकर अच्छा समझा जा सकता है। उदाहरण, पहला उदाहरण इस प्रकार है, नीचे दिए गए व्यक्तियों के नापों के आधार पर महोदरता निकालिए। छाती का नाप 90 सेंटीमीटर, कमर का नाप 95 सेंटीमीटर 95। पद्धति, कमर का नाप माइनस नैसर्गिक कमर का नाप मिलता है, नापों का अंतर या महोदरता। देयरफॉर नैसर्गिक कमर माइनस छाती का नाप माइनस 10 या 12 सेंटीमीटर, 90 से 10 सेंटीमीटर माइनस 90 माइनस 10 सेंटीमीटर माइनस 80 सेंटीमीटर, तो हमें मिलता है महोदरता माइनस 95 माइनस 80 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है, आसन का नाप यदि 100 सेंटीमीटर है और कमर का नाप 105 सेंटीमीटर, तो कैसे निकाला जाएगा? कमर का नाप माइनस नैसर्गिक कमर का नाप माइनस नापों का अंतर, नैसर्गिक कमर का नाप माइनस आसन का नाप माइनस 13 या 15 सेंटीमीटर। तो अगर नैसर्गिक कमर का नाप 100 सेंटीमीटर है और आसन का नाप 13 सेंटीमीटर है, नापों का अंतर, तो हमें मिलता है 87 सेंटीमीटर। तो 105 माइनस 87 सेंटीमीटर तो इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। अभी आप इसके समझ गए होंगे, अब आप इन चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक साधारण व्यक्ति है, देन पीछे झुकी आगे झुकी कंधों में उतार वाला व्यक्ति, फिर सीधे कंधे, ऊंची और पतली, मोटी और ठिगनी, महोदर या पेटू व्यक्ति, ये हैं विभिन्न प्रकार के व्यक्ति, और जिसको कि हम टाइप ऑफ पोस्चर्स या टाइप ऑफ फिगर्स भी कहते हैं। धन्यवाद।